बेकार देश, बददिमाग लोग, और हम सबसे खतरनाक जगह पर हैं। एल्जान में चेचन कहानियों से मुझे डर नहीं लगता, सिर्फ गोलियों से लगता है। लेकिन कितनी सारी कहानियां हैं, और सारी कहानियों का अंत एक जैसा। जो बंदा जंगल में एक बार जाता है वापस लौट कर नहीं आता। क्या स्पेशल ऑपरेशन पेट्रोल चार्ली, कितना वक्त लगेगा? उससे जवाब दो। यस सर, अल्फा बेस चार्ली बोल रहा हूँ सर, लगभग 15 मिनट लगेंगे। और ठीक है चार्ली। तुमने गाड़ी क्यों रोकी? पिछले गांव में एक बच्चे के गुम हो जाने की खबर सुनी थी। हो सकता है ये चेचेंस की कोई चाल हो। रेडियो कंट्रोल, मैं मेजर कॉर्कोव हूँ। हम एक साइकिल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जवाब दीजिए, इस रेडियो को अचानक क्या हुआ? मुझे क्या पता। क्या आप हमें सुन सकते हैं? खराब हो गया। सब बाहर उतरो। सबके सब फैल जाओ। आंखें खुली रखना। अरे यार, मैं जानता हूं ये एक चाल है। मेरे पीछे आओ। आगे बढ़ो। की तरफ चुसो गन निकालो। सब कब से मिलना है? कंप्यूटर्स, मैप्स, हथियार।
ओह थैंक यू। लगता है उस लैपटॉप पर हमें काफी जानकारी मिल गई है। मतलब काम बन गया। तुमने आज वाकई बहुत अच्छा काम किया। थैंक्स सर। मैंने तुम्हें पहली बार फोर्ट ब्रैग में देखा था, तुम्हें तुरंत डेल्टा में ले लिया। तुम हमारे देश के सबसे बेहतर सैनिकों में से एक हो दोस्त। इराक में सिर्फ वही सैनिक आते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन अगर बेस्ट की बात करें तो वो सब पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तुम सबसे बेहतर हो। तुमने आज वाकई कमाल कर दिया, लेकिन जहां तक मिशन का सवाल है, तुम चुने नहीं जाओगे। तुम खतरा मोल लेते हो। बिना बंदूक के दुश्मन का मुकाबला करना बेवकूफी है। हमें शौक के लिए यूनिट की जान खतरे में डालने वाले सैनिक की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अपने साथियों पर भरोसा रखना होगा और अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स मानने होंगे। मैं कई बार सुन चुका हूं। तो ये बात दिमाग में डाल लो और अच्छी तरह समझ लो। देखो, तुम्हें ये सुनने में बकवास लग रहा होगा, लेकिन ये मैं बार बार नहीं कह सकता। आप ऑर्डर करोगे मुझे फॉलो करना, यही मेरा काम है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, चॉपर आ चुका है, चलो निकलते हैं। आओ जिम, इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यस सर। बैठिए। थैंक यू सर। मुझे रेस्क्यू ऑपरेशंस पसंद नहीं है। किसी को बचाने जाने का मतलब है मिशन फेल हो गया है, और मुझे दूसरे के ऑर्डर्स फॉलो करना पसंद नहीं है। और तुम्हारी वजह से हमें उनकी सारी जानकारी मिली है, और इसी वजह से अलाइड कमांड ने मुझे एक मिशन सौंपा है। WMDs, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल। इनका सोर्स तबाह करो, डिस्ट्रीब्यूशन बंद करो। तुम्हारी इराकी रेड में एक आतंकवादी नेटवर्क सामने आया जो ये हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है। इन्हें पैसा देने वाले फैक्ट्री लोकेशंस, ज्यादातर फैक्ट्रियां यूरोप में है, लेकिन एक ठीक हमारे बगल में है, नॉर्थ की तरफ 400 मील दूर साउथ रशिया के बलजान जंगल में है। ये जगह चेचन रिपब्लिक के अंडर आती है। इस जंगल से गुजरना नामुमकिन है, रशियन आर्मी भी यहाँ कभी नहीं आती है। स्थानिक लोग मानते हैं ये जंगल जादुई है, यहाँ लोग मर जाते हैं। ये कैटिया ज़ेमेनोवा है, काउंटर टेररिज्म स्पेशल ऑपरेशंस टैक्टिक्स स्पेशलिस्ट। डॉक्टर बेंटन वॉल्श ये हमारे लिए काम करता था, ये आर्मी के लिए मेडिकल रिसर्च करता था, लेकिन जब प्रेसिडेंट ने स्टेम सेल फंडिंग रोक दी तो आर्मी ने इसे निकाल दिया, तब से ये लापता है। रुको एक मिनट, ये हमारे साथ है। हाँ, ये CIA से है। मैं पिछले एक साल से सोवियत स्टेट्स में इस डॉक्टर का पीछा कर रही हूँ। वो रिसर्च जारी रखना चाहता है, लेकिन उसे पैसों की जरूरत है। तुम्हें जो हार्ड ड्राइव मिली है उसमें WMD डॉक्टर की जानकारी है, कोऑर्डिनेट्स बेलजान जंगल के अंदर है। चेचन विद्रोही ऐसे आदमी की तलाश में है जो उन्हें जानलेवा हथियार दे सकता है। इस जगह पर ड्रोन भेजो और सब कुछ खाक कर दो। हम रशियन जमीन पर हमला नहीं कर सकते। एक रशियन स्पेट्सनाज टीम को इस इलाके में भेजा गया है, हमें उनसे पहले डॉक्टर तक पहुंचना होगा। उसका रिसर्च हमारे अलावा और किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। इस मिशन के लिए काबिल लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना है। तुम्हारे साथ एक डेल्टा टीम होगी और मैं ज़ेमेनोवा एडवाइजर बनकर तुम्हारे साथ चलेंगी। क्या मैं खुल करके बात कर सकता हूँ सर? बिल्कुल नहीं, लेकिन इस मिशन के इंचार्ज तुम होगे। कामयाब होकर ही लौटना जिम। बैकट वन, कौन है वो? चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा,
यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन ये कीटिंग हो सकता है। हाँ, ये कीटिंग ही है। कोई कुछ नहीं करेगा। समझ गया, तो क्या प्लान बी शुरू करें? हाँ, शुरू करो। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं दोस्त, लगता है तुम्हारी पैंट गीली हो गई है। रुसो, माफ कर दे यार, गलती हो गई ना। जॉनी, रुसो छोड़ दो उसे। छोड़ो उसे, अरे जाने दो, लड़ोगे? रुसो छोड़ो उसे। जॉनी, पीछे हटो। आज बच गया तू। रुसो, तुम डॉक्टर के पास अभी के अभी जाओगे। यस सर। मैंने नोटिस किया है, मिशन के दौरान इस कैंप में आर्मी के डिसिप्लिन तोड़े जा रहे हैं, और डिसिप्लिन तोड़ने वाले सैनिक मुझे पसंद नहीं। जॉनी, ऐसे सैनिकों को मैं क्या सजा देता हूँ जानते हो ना? यस सर। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ मिस्टर पॉपुलर, टॉयलेट्स बनाकर तुम कभी वॉर हीरो नहीं बन सकते। ओके? तो तुम अपने इन साथियों को लेकर नुकसान की भरपाई करोगे। यस सर। बैठ सकते हैं। डॉनी कहाँ है? उसे सजा मिली है सर। फिर से? यस सर। ये सिविलियन लड़की कौन है? कात्या ज़मनोवा, सीधे लैंगली से आई है, यह मिशन में हिस्सा नहीं लेंगी। मैं रूसो, कमांडो। हमारे डॉक्टर लेफ्टिनेंट ओनील, और मेरा आरटीओ। मेरा नाम कैंडल है, आप मुझे कैंडी बुला सकती हैं। हाय। इनसे मिलिए, ये मेरे एलटीसी। आपसे मिलकर खुशी हुई मैम। ठीक है, बेल्जन जंगल में घने बादलों की वजह से सैटेलाइट इमेजिंग मुमकिन नहीं है। एट मैप से दुश्मन को पता चल गया है ये हमारा टारगेट है। वहां मौसम कभी भी बदल सकता है, तो हमें तैयार रहना होगा। कल ठीक 8:30 बजे हमारे सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से उतरेंगे जंगल से ठीक 2 किलोमीटर दूर। वहाँ दुश्मनों के पास आरपीजीज भी हो सकते हैं। जब तुम बिल्सन जंगल में जाओगे तो फिर याद रखना कि तुम एक बेहद अनजान खतरनाक जगह पर होगे। जहाँ घना जंगल होगा, खुली जगह होगी, एक नदी होगी, बाकी सब अफवाह है। यह जंगल न्यूयॉर्क से बड़ा है और बेहद खतरनाक। हमारा जो टारगेट है वो ये डॉक्टर है। किसी भी हालत में हमें इसे वापस लाना है, और वो भी जिंदा। बाकी सारे दुश्मनों को खत्म कर देना है। तुम्हें चुराए हुए रशियन MI-8 से वापस लाया जाएगा, और तुम्हारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट होगा ये दक्षिणी शिखर। ये इकलौता शहर है जो पहले चेचन लड़ाई के बाद बचा था, लेकिन अचानक 1 साल पहले से खाली कर दिया गया। रशियन आर्मी इसे बेस की तरह इस्तेमाल करती है, तो हम भी वैसा ही करेंगे। लेकिन सर, हमारा मुकाबला किससे होगा? खबर है कि चेचन आतंकवादियों ने जंगल को कैंप बनाया है। वो डॉक्टर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन इस इलाके में रशियन स्पेशनास टीम को भी देखा गया है। इसलिए हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा। ये कोई ड्रिल या वीडियो गेम नहीं है, हम पीछे नहीं हट सकते अगर स्पेशनल से हमारा मुकाबला हुआ तो। और मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ रूसो। लेकिन सर, आपको मानना होगा कि डेल्टा वर्सेस स्पेशनल, ये तो शानदार वीडियो गेम हो सकता है। बोल चुके। कोई और सवाल पूछना चाहता है? चेचन के विद्रोही 10 लोगों की यूनिट में घूमते हैं, लेकिन जंगल में इनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। वो लोग मुकाबला करेंगे और करते रहेंगे जब तक वो आखिरी सांस ना ले लें। डेड बॉडीज पर बम या ट्रिप वायर्स हो सकती हैं। दुश्मन की जान लेना उनका मिशन है। सुन लिया आपने, अब आप जा सकते हैं। कर्नल, मैं इस मिशन पर सिर्फ गन ही नहीं ला रही, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल भी करने वाली हूँ। मैं सबको सुरक्षित रख सकती हूँ, आपको भी। मैं समझ गया। एक और बात कर्नल, मैं कभी लैंगली नहीं गई, और ना ही मैं किसी गांव से आई हूँ। मैंने फील्ड में ट्रेनिंग ली है। हालांकि मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था,
क्या सारी अमेरिकन लड़कियां मर गई थी? क्योंकि मुझे पूरे यकीन है कि इस मिशन के लिए ब्रिटिश लड़कियों से भी हमारा काम चल ही जाता। मैं रशिया में जरूर पैदा हुई थी, लेकिन मैं भी एक अमेरिकन नागरिक हूँ। मैं अमेरिकन कानून अच्छी तरह जानती हूँ, और बात जब ड्यूटी की आती है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या इतना जानना आपके लिए काफी होगा कर्नल? क्या लगता है वो लोग चलेंगे क्या? वो लोग आखिर रुकेंगे ही क्यों? तुम जरा जाकर देखो, मैं तुम्हें कवर करता हूं। मैं पोजीशन संभालूंगा, तुम जाओ। तुम्हारा निशाना बेकार है। मैं तुमसे बेहतर शूटर हूँ, तुम तेज भागते हो, जाओ। क्योंकि तुम मोटे हो। मैं मोटा नहीं हूँ। तुम हो मोटे। तुम पहले ही हमारा सारा खाना खा चुके हो। जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। बैट्स तो चले ही गए होंगे, है ना? लेकिन अगली बार कह देता हूँ, तुमको ही जाना होगा। मित्री, बिल्कुल इस तरह। हाँ, तुमने दुश्मन को मारा? यस सर, सिर्फ दो गोली से। ठीक है, ये रहा तुम्हारा रेडियो, फुल चार्ज्ड है। थैंक यू सर। सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस मिशन में आप हमारे साथ हैं। क्यों, मेरा डीओ अच्छा लगा? बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि रूसो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात मानता है। तुम्हें ऐसा लगता है? देखना इस ट्रिप में वो सबको सरप्राइज कर देगा। अगर ना करे तो बेहतर है, क्योंकि सरप्राइज तो हम दुश्मनों को करेंगे। डाउनी, यहाँ क्या कर रहे हो दोस्त? कर्नल के ऑर्डर्स हैं। मैं तुम लोगों को शूटिंग सिखाने आया हूँ। तो तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार। CIA, रशियन लेडी, तीनों तरफ खतरा है। कभी कभी खतरा मोल लेना चाहिए दोस्त। अनजान लड़कियों के पीछे लगना छोड़ दो, वो जासूस हो सकती हैं। जानते हो मिशन पर दो लड़कियों के होने का क्या फायदा है? हाँ बताओ। दिल लगा रहता है, मजा आएगा। क्या सारे डेल्टा जैसे दिल फेंक होते हैं? नहीं, सारे नहीं है। तुम्हारी गन लोडेड है क्या? हाँ, जानते हो मरीन्स में बदले को फ्रेंडली फायर कहते हैं। यार अच्छा हुआ कि हम डेल्टा में। बिल्कुल सही। आ जाओ जल्दी जल्दी, जाओ जल्दी बैठ जाओ। तुम अभी भी मुझसे गुस्सा? अच्छा एक बात सुनो, वापस आने के बाद मैं तुम्हारे लिए खुद केक बनाऊंगा। हम अपने बंदे को लाने जा रहे हैं। आज जो कभी हुआ करता था, रशियन से पहले हमें उसे पकड़ना होगा।
उतरने की तैयारी करो। 2 मिनट बचे हैं, सिर्फ 2। तैयार हो जाओ। खुली रखना, हम करीब 2 किलोमीटर दूर हैं। तुम्हें कोई आवाज आ रही है? कैसी आवाज? कुछ नहीं है, न पंछियों की है, न जानवरों की है, न ही कीड़े मकोड़ों की आवाज। यूनिफॉर्म्स नहीं पहनते। आराम से। ओ नहीं, ऐसा लगता है ये इतने हड्डियां चूस कर फेंक दी हो। तुम्हें क्या मिला? कुछ कह नहीं सकते सर, ये जो कोई भी था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। 3 या 4 दिन पहले मरा होगा। तो धमाके के निशान कहाँ है? ग्रेनेड के टुकड़े। कलाश्निकोव जमीन पर पड़ी हुई है, ब्रांड न्यू एके हैं। लगता है ये सैनिक डरे हुए थे और चारों तरफ गोलियां चला रहे थे। ये वेल ट्रेन सोल्जर्स थे, कई यूनिट में काम कर चुके थे, बिल्कुल एलीट। चेचन लोग ऐसे नहीं मारते। फिर किसने मारा? भालुओं ने? स्टालिन की आत्मा ने? चलो आगे बढ़ते हैं, काफी आगे जाना हमें। सावधान रहना, सो मत जाना। मैं आगे रहती हूँ। गोली खाने का शौक है तो ठीक है। रूसो, गन कहां है? क्लियर। ये कौन सी जगह है? अड्डे के अलावा ये शायद उनके हथियार टेस्ट करने का लैब है। ये उस डॉक्टर का ही काम लगता है। जरा ये दूरबीन देखो, लगता है इससे पंछी देखना पसंद है। हाँ, ऐसा ही कुछ लगता है। कैंडल, रेडियो चेक करो। यस सर। रशियन आर्मी का लगता है, बिल्कुल नया है। शायद चुराया हुआ है। कोई सिग्नल्स मिले? कुछ नहीं, लगता है ये कोई सिग्नल पकड़ रहा है। किसी आर्मी का बेस लगता है।
हाँ हो सकता है, लेकिन ये जगह ठीक वहां है। क्लियर। तुम चारों तरफ नजर रखो। मैं देखती हूं। तो डॉक्टर बर्ड्स पर रिसर्च करता था? डॉक्टर बर्ड्स पर नहीं बल्कि बैट्स पर रिसर्च करता था। तो बैट्स ने ये किया? मैंने देखा है जंगल में पड़ी लाशों को बैट्स खा जाते हैं। इसे यहाँ बांध कर रखा गया था। अंदर क्या मिला? एक और लाश और बैट्स। बैट्स? क्या उसने बैट्स कहा? ओह, देखो जहां तक मुझे लगता है बैट्स मांस नहीं खाते, कभी भी नहीं। आगे बढ़ो। कैंडल तुम तो मेरा साथ दो यार। मैंने सुना कीड़े और फल खाते हैं। मेरे ऑस्टिन के स्कूल में एक बैट कॉलोनी थी। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कांग्रेस एवेन्यू ब्रिज पर घंटों बैठकर बियर पीते थे, पूरी रात उन्हें उड़ते देखते थे और उसे बैट्स बहुत क्यूट लगते थे। उसने काफी क्यूट है। उसे उस पेड़ पर लटका दो। उड़ता हुआ कमेलियन, मांस खाने वाला उड़ता कमेलियन। जरा ये देखो, ये पेड़ के रंग का हो गया। उस स्पेट्सनाज को ऐसे ही किसी बैट ने मारा होगा। तुम उन कहानियों पर यकीन नहीं करते हो, है ना? अगर तुमने उनका मजाक उड़ाया ना, तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। यार बेवकूफ मत बनो। तुम्हें क्या लगता है इस जंगल में जाने से हमारी मौत भी हो सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, अगर शाम होने से पहले हमने ये जंगल पार नहीं किया तो खतरा हो सकता है। नहीं, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तुम यही खड़े रहो, मैं देख कर आता हूँ। अगर तुम्हारी कहानी वाकई सच होती तो अब तक मुझे मर जाना चाहिए था। हाँ, बेतुकी कहानियों पर विश्वास रखना बंद करो और आओ मेरे साथ। ये शायद पंछियों की आवाज है। तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? डॉनी आगे बढ़ो। यस सर। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की डेल्टास के साथ ऐसी जगह पर क्या कर रही है? कर्नल चाहते हैं तुम पीछे रहो। रूसो सही कह रहा था। क्या लगता है मेरे लिए कौन ज्यादा जरूरी होगा, कर्नल या मिशन? तुम्हारे तेवर से तो मिशन लगता है।
गुड, चलो एक बात पर हम सहमत हैं, अब मुझे अपना काम करने दो। लगता है तुम किसी बात पर गुस्सा हो, और गुस्से में तुम क्यूट लगती हो। क्या तुम्हें भी तकलीफ है? किस बात से? रशियन औरतों से। रशियन औरतों से? बिल्कुल नहीं, बस उनकी एजेंसी पसंद नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्पार्टन्स दुनिया के सबसे जांबाज योद्धा लड़ाई पर जाते वक्त गाना गाते थे, वो भी गला फाड़ फाड़ के दुश्मन को डराने के लिए। ये अड़ंग बड़ंग कहां से सीखते हो? मैंने युद्ध के नियम पढ़े हैं। गाना गाने से दिमाग शांत रहता है, और ज्यादातर लड़ाइयां शांत दिमाग से ही जीती जाती हैं। अच्छा, तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारे परिवार को बताऊंगा। गोली चलाना बंद करो, रुसो। तुम लकी हो, बच गई। मैंने कहा था पीछे ही रहो। अनिल, डॉक्टर को जख्म देखने दो। ट्वेल्व डिग्री नॉर्थ। कितने लोग हैं? कम से कम दो। मुझे कवर फायर दो, मैं ये फासले 7 सेकंड में पार कर सकता हूँ। रुसो, शांत रहो। तुम अपने लोगों पर नजर क्यों नहीं रखते हो? कर्नल डाउनी और मैं उस दूसरे शूटर को संभालते हैं। ठीक है, लेकिन सर। रूसो, होश में और खुद पर काबू रखो। चलो। चलो ठीक है रूसो, सिर्फ एक मौका, टारगेट दिखते ही शूट करना। इस पर भी बैट्स ने हमला किया था। अरे बाप रे, ये भी स्पेट्सनाज टीम का ही है। मुझे जवाब चाहिए, मुझे हर बात का जवाब चाहिए। क्या ये जानकर तुम और तेज भागोगे, तुम्हारा निशाना सुधरेगा? इसके पीछे कौन है बताओ, वरना World War III भी शुरू हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। बैट का और एक शिकार। ये 1 घंटा भी नहीं जिया होगा कर्नल। लगता है अब World War III नहीं होने वाला। चलो यहां से। अब तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। शायद इसे पटाने का ख्याल मुझे छोड़ देना चाहिए। सही कहा, ये लड़की हाथ नहीं आने वाली। क्या तुम हमेशा बेल्जन जंगल से गुजरते हो? जी हाँ, जरूरत पड़ने पर। तुमने कभी कोई अजीब सी चीज देखी है क्या? जैसे दो किसानों को जबरदस्ती ट्रक में बिठाया गया? नहीं नहीं, इससे भी अजीब। क्या तुमने जंगल में कोई अजीब चीज नहीं देखी? पता हम कौन है? हमें कुछ नहीं पता। हमने कुछ नहीं देखा। तुमने मुझे देखा है? देखो, मुझे सच सच बता दो। 2 दिन पहले हमारी एक पेट्रोलिंग पार्टी खो गई थी। मुझे बताओ, ये किसने किया? हमें सच में कुछ नहीं पता। हम पर यकीन कीजिए। तुम विद्रोहियों का साथ क्यों दे रहे हो? ये सरासर झूठ है। उस बेल्जान जंगल में कोई भी नहीं जाता। उस जंगल में ऐसा है क्या? पहले हमारी भेड़े गायब होने लगी, उसके बाद गांव वाले। अगर आप उस जंगल में गए तो आप भी मारे जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता।
जाओ सबको बता दो मुझे एक घंटे में पूरी बटालियन तैयार चाहिए। रूसो तुम सुन सकते हो? जी हाँ। इस वक्त तुम कहाँ हो? पावर लाइन के ठीक नीचे हूँ, पहले स्नाइपर से आधा किलोमीटर दूर। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। हाँ सुन लिया। डेल्टा फोर्स जंगल में तुम्हारा स्वागत है। रोजो यहां क्या हुआ? जवाब दो। प्रेशर प्लेट के अंदर एक आउंस C4 था या शायद एक ट्रिप वायर। पेड़ों पर सुरंगों के निशान है। चाहे जो भी हो मार्टिनेज मर चुका है। फिर से वही आवाज सुनाई दी। तुम्हें जंगल में कुछ दिखा? कुछ नहीं। ये विद्रोहियों का इलाका है, ये एक ट्रैप है। हाँ लेकिन ट्रैप हो या कुछ और, वही हमारा डेस्टिनेशन है। हॉटस्पॉट कोऑर्डिनेट्स उस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है हम लोग सब साथ रहेंगे, मैं आगे रहूंगा। मेरे इशारे का इंतजार। यही वो जगह है कर्नल। Come on!
पे लोगों से पीछे हटने को कहो, लेकिन अमेरिकन्स पर नजर रखो। दोनों निकलो यहां से, मैं इन्हें संभालता हूं। क्या हुआ, वो कहां चले गए? पता नहीं। एक मिनट जरा रुको, मुझे सिग्नल मिल रहा है। एको 25 जवाब दो, एको 25 फिर से कहो। कैंडल मारा गया, कैंडल मारा गया। यांकी 34 ये एको 26 है, ओवर। यांकी 34 ये एको 26 है, इमरजेंसी है, ओवर। ये लो थोड़ा पानी पी लो, हम रेडियो के बिना बेस कैंप नहीं पहुंच सकते। कैंडल मारा गया और रेडियो भी गया। डाउनी, यांकी 34 ये एको 26 है, ओवर। लिमिट में रहकर काम करो, सब बकवास है। अपना ख्याल रखना। ओनील बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाएगी, उसके जख्म गहरे हैं। हमें अभी मेडिकल टीम बुलानी होगी, उसे यहाँ से निकालना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें सोचना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? ये फैसला मुश्किल हो सकता है। पता नहीं तुम्हें ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया है, लेकिन ओनील आसानी से हार नहीं मानेगी। वो कामयाब होगी और हम उसका साथ देंगे। ओनील की जान को खतरा है, एक्सट्रैक्शन दिन ढलने के बाद होगा, लेकिन उसे तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा। हम कहीं नहीं जाने वाले, इस वक्त हम खुद एक एक्सपेरिमेंट हैं। hey, ओनील का क्या होगा? और मार्टिनेज का क्या? तुम्हें लगता है उस डॉक्टर को मारे बिना मैं यहाँ से जाऊँ? हमारा सामना बैट से है, दुश्मनों से है। रशियन आर्मी ने अपने लोगों को खोजने के लिए टीम भेजी होगी, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम मारे जाएंगे। ये बदला लेने का वक्त नहीं है रूसो, हम सिस्टम का हिस्सा है, हम योद्धा है और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब तो मुझे ऑर्डर्स दोगे? मार्टिनेज और कर्नल के बाद मैं रैंकिंग ऑफिसर हूँ। तुम्हें लगता है इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है? हम अभी डॉक्टर को पकड़ने वाले हैं। हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए सर, अब हम क्या करेंगे? अमेरिका में जिंदगी कैसी थी पहले कुछ साल, तुम्हारे जवानी के दिन? मैं कभी अमेरिका नहीं गया। ओ, सही कहा, शायद मैं गया था। और तुम तो मेडिकल स्कूल भी नहीं गए, है ना? नहीं। तुम इन जंगलों से 30 मील दूर पैदा हुए थे। पहली बार टीवी देखने से पहले तुम गोली चलाना और शिकार करना सीखे। तुम तो फर्क भी नहीं बता सकते पॉलीपेप्टाइड और हीमोग्लोबिन में, फिर भी तुम्हें लगता है कि इन मिलिट्री मामलों में मैं तुम्हें कोई सलाह दे सकता हूं। दुश्मन को ढूंढकर मारना, इस काम के लिए तुम्हें पैसे दिए जाते हैं। वो लोग जंगल में कहीं खो गए हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे सर। गुड, वरना मुझे तुम्हारी जगह किसी और को रखना होगा। अंदर कितने लोग होंगे बताना मुश्किल है। चलो चले। काट्या, ओनील,
तुम दोनों यहीं रुको और मुझे कवर फायर देते रहना। दो लोगों के साथ ईस्ट जाओ, मैं वेस्ट का एक्सट्रैक्शन क्लियर करता हूँ। तो डॉक्टर को कौन पकड़ेगा? तुम यहीं रुको, क्योंकि तुम्हें हमें कवर देना है। डॉक्टर बेंटन वॉल्श, अब तुम यूएस आर्मी की हिरासत में हो। कम ऑन। चलो निकलो यहां से। कहां रह गए? जल्दी करो, हम वक्त नहीं गवा सकते। निकलने के लिए तैयार हो? रुको, मैं मदद कर रहा हूं। मैंने यहां हर जगह देख लिया है, दुश्मन बहुत हाईटेक है, गन्स, ग्रेनेड, C4, उनके पास यहां खतरनाक हथियार है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, रॉकेट केसिंग्स, ट्रिगर्स, फ्यूल सेल्स, यहां सब कुछ है, पर ये यहां करता क्या है? उन्हें यहां जो भी मिला वो सब खरीद कर ले गए। अच्छा, और तुम्हारी क्या कीमत थी? वापस आ रहे हैं, हमें बंकर में जाना होगा। अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। रहने दो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम मेरे साथ आओगी? मैं पैर महसूस नहीं कर सकती, मैं खड़ी नहीं हो सकती, फिर भी तुम्हें लगता है मैं चल पाऊंगी? मैं तुम्हें ले जाऊंगी ओनील। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं मरने वाली हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा एक घंटा जी पाऊंगी। मैं तुम्हें कवर करूंगी जब तुम बेस पहुंचोगी। बात सुनो, तुम्हारे बिना मैं वापस गई तो डाउनी मेरी जान ले लेगा, और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अब चुपचाप चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो। एको 15, आप सुन रहे हैं? एको 15, जवाब दो। यहाँ रेडियो कॉन्टैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सीक्वेंस अब भी चल रहा है। तो इसे बंद करो। अगर तुमने कंप्यूटर बंद किया तो ये एक्सपेरिमेंट काबू से बाहर हो जाएगा, सारे बैट्स आजाद हो जाएंगे। अपनी टीम को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो बंद कर दो। आ!
मेरे इकलौते दोस्त की जान ली, अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। मेरे बिना तुम यहाँ से एक मील भी जिंदा नहीं बच पाओगे। ये बदला लेने का वक्त नहीं है, यही वक्त है। मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हें बैग से दूर ले जाऊंगा। लेकिन हम तुम्हारी बात का यकीन क्यों करें? क्योंकि तुम और मैं जिंदा रहना चाहते हैं। ओनील मर चुके हैं दोस्त, और अब हमें यहाँ से निकलना है। सारी इंटेल ले लो, ये हमारे साथ चल रहा है। तुम पागल हो गए हो? ये आदमी मेरा कैदी है, अगर इसे जिंदा रखा तो हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसे मौका मिल गया तो क्या ये हमें जिंदा छोड़ेगा? मेरे हाथ खोल दो। बिल्कुल नहीं, अब जो भी मेरे साथ होगा वही तुम्हारे साथ ही होगा। रुको, बहुत ही कम है, शायद तुम लोग बच जाओगे। डाउनी वहां एक ट्रक है। ठीक है, तो यहां से निकलते हैं। कर्नल कॉर्को। हाँ बोलो, क्या बात है? रडार स्टेशन ने बेलजान जंगल के पास रेडियो इंटरफेरेंस में काफी बदलाव, वो चले गए, अब फील्ड पहले जैसी ही है। जल्दी करो। गुड लक सर। जल्दी। इसमें क्या लिखा है? अच्छी खबर है। बैट्स चले गए। तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहीं नजर आ रहे हैं? सिर्फ पेड़ नजर आ रहे हैं, कोई बैट नहीं। तुम्हारी फाइल पढ़ी, अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका में पढ़ाई पूरी की और सरकार के लिए काम दे गया। तुम्हारी केस हिस्ट्री तो बहुत अच्छी है। अमेरिका खूनी दरिंदे पैदा करता है। बहुत नफरत करते हो अमेरिका से?
जरा मुझे बताओगे कि इसकी वजह क्या है? मैं अमेरिका से क्यों नफरत करता हूँ? झूठे हैं वो, कहते हैं हर इंसान के कुछ अधिकार होते हैं। नहीं, कमजोर लोगों के कोई अधिकार नहीं होते। यह दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की है। हर जगह यही होता है, यही यहाँ का नियम है, उसूल है। डाउनी, डाउनी, सामने फेंस नजर आ रही है। आगे क्या? चलते रहो, चलते रहो। ठीक है, समझ गए। सीट बेल्ट बांध लो। ये ट्रक रशियन है, इसमें सीट बेल्ट नहीं होते। बिल्कुल भी मत हिलना। ये सब क्या है? तुमने ट्रक रोक क्यों दी? क्योंकि शायद तुम्हें बाहर आकर ये नजारा देख लेना चाहिए। ठीक है, चलो उतर कर देखते हैं। ठीक है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। बताओगे ये सब क्या है? साइंस की एक और शानदार जीत। ये जानवर हमारे हैं, हमारा फूड सप्लायर। इनको मरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। गलती तुम्हारी है, तुमने सीक्वेंस बीच में ही रोक दिया। मान लो डॉक, तुम हार चुके थे, बैट्स पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था। डॉक्टर को छोड़ दो। वो कौन है? रशियंस? चेचन विद्रोही, वो लोग नदी के उस पार। सीधे हमें इनके पास लेकर आए। मैंने सुना था डेल्टा सबसे बेस्ट। बकवास बंद करो। वो पोजीशन बदल रहे हैं, वो हमें घिरना चाहते हैं। ठीक है, हम पीछे हटेंगे। पीछे हटो रूसो, हमें मिशन पूरा करना है। मेरा मिशन दुश्मन को मारना है, फिर भले ही वो कहीं भी छुपे हो। नहीं जा सकते, राइट नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। उन्होंने हमें घेर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूसो, अपनी पोजीशन ले लो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसने कीव में तुम्हारा अड्डा ढूंढ निकाला था। तुम्हारे बम ने उस दिन एक अच्छे सैनिक की जान ली थी। लगता है तुम्हारा अपना था। तुम भी उसके पास जल्द ही पहुंच जाओगे। डाउनी, रुक जाओ। क्या हुआ? निशान देखो, नीचे माइन है। हम सैनिक हैं, सैनिक की तरह सोचो। थैंक्स। एक भी बंदा नहीं चाहिए। रूसो, आगे बढ़ा। अब क्या? हम फिर से वही आ गए। इसने हमें बेवकूफ बनाया। ये तो कैंडल है। नहीं नहीं रुको, वो मर चुका है, उसे छूना मत। सारे बैट्स कहाँ हैं? वो यही हैं। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है।
मैट्स ने इसे मार दिया, बाकी लोगों को ढूंढो। संभल कर, संभल कर, धीरे धीरे आगे बढ़ो। चाल कामयाब रही। उन पेड़ों से आगे आधा किलोमीटर। पता नहीं, शायद पेड़ों के पीछे आधा किलोमीटर आगे। क्या तुम इस औरत को अच्छी तरह जानते हो? तुमसे बेहतर जानता हूँ। उस पर नजर रखो, वो कभी उस ब्रीफ केस को खुद से दूर नहीं होने देती। तो तुम हमें अलग करना चाहते हो? डेल्टा बेस, क्या आप हमें सुन सकते हैं? उस ब्रीफ केस में जो है उसके लिए कोई भी सरकार हमारी जान ले सकती है। कोई सिग्नल मिले? कुछ खास नहीं, कभी कभी ये लोग कोड में बातें करते हैं, लेकिन कई बार इसका कोई मतलब नहीं होता। खैर, अच्छी खबर यह है कि सूरज ढलने के बाद यह खतरा टल जाएगा। चलो बाहर निकलते हैं। रुसो, रुसो, गो 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 गो। डाउनी, क्लियर, इसे नीचे बैठाओ। ऑल क्लियर। ठीक है, हम यहीं रुकते हैं, मैं बीकन सेट करता हूं। ठीक है। रशियन 35 हमें बीकन सिग्नल्स मिल रहे हैं। रॉजर बेस, उन्हें सुरक्षित रखो, हम उन्हें लेने जा रहे हैं। या जासूसों को बोनस मिलता है? मैं नहीं बता सकती, शायद मैं गलत जगह फंस गया हूँ। टीम के साथ काम करना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें शायद अकेले काम करना पसंद है। 9/11 के पहले मुझे अफगानिस्तान भेज देते तो दुनिया बहुत अलग होती। तो फिर तुम्हें टाइम ट्रैवल करना चाहिए। काश कर पाता, मुझे अकेले काम करना अच्छा लगता है। पूरे 14 महीने 2 दर्जन एजेंट्स और एक डेल्टा टीम लगी वॉल्स को पकड़ने में। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, खासकर इंटेलिजेंस के बिना। हम बहुत लकी हैं क्योंकि हम अकेले काम नहीं करते। ये डाउनी कहाँ है? बीकन सेट कर रहा होगा, एलजी मार्क कर रहा होगा। रिलैक्स करो। रिलैक्स नहीं कर सकती, ये डॉक्टर कभी भी भाग सकता है। देखो इसे, सर झुका है, हिम्मत टूट चुकी है। ये जानता है अब ये नहीं बच सकता, और इस वक्त ये कुछ भी कर सकता है।
रूसो, तुम सुन सकते हो? हाँ सुन रहा हूँ। ये जगह सुरक्षित है, मैं वापस आ रहा हूँ। लगता है इस बार तुमने मुझे पकड़ लिया है। हम कभी नहीं मिले लेकिन तुम मेरे बारे में सब जानते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अमेरिका वापस नहीं आने वाला। कई लोग कोशिश कर चुके हैं, तुम जानती हो, अगर मुझे नहीं छोड़ा गया तो ये सब मारे जाएंगे। तुमने जिसे मारा वो बहुत अच्छा एजेंट और मेरा मेंटोर था, और अगर तुम नहीं होते तो हमारी शादी हो चुकी होती। गुड बाय डॉक्टर। अगली बार सही वक्त पर आ। यस सर। हेलीकॉप्टर्स निकल चुके हैं सर। यहां लाने के लिए शुक्रिया। अब तुम अपने घर वापस लौटने वाली हो, एजेंट काटिया ज़ेमनोवा। ज्यादा तकलीफ नहीं है। दूसरा आदमी कहां है? मुझे लगा वो आपके साथ है। मुझे दे दो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये बैच किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे छोड़कर। मैंने अपना डीएनए इनमें डाला है। अगर तुम रुके तो मारे जाओगे, या फिर तुम भाग सकते हो। भागो और अपनी जान बचाओ। वो वैसे भी सारी जानकारी मिटा देते। एक तीर दो निशाने, ये मार्टिनेज के लिए। रॉजर टावर, बीकन पोजीशन पर है, हम एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर जा रहे हैं।
लगता है तुमने उस डॉक्टर को मार दिया। इसकी हालत कैसी है? इसे बाहर निकालना होगा, ये बार बार बेहोश हो रहा है, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। एक्सट्रैक्शन टीम पहले ही निकल चुकी है, मैं बस इतना ही कर सकता। हेलीकॉप्टर से? तुमने देखा नहीं पिछले हेलीकॉप्टर का क्या हुआ? तुम्हारे पास गोलियां बची हैं या खत्म हो गई? नहीं, आखिर क्या करना चाहते हो? मैं वापस लैब जाऊंगा, कंप्यूटर ऑन करूंगा और बैट्स को वापस बुला लूंगा और फिर लैब को उड़ा दूंगा। तुम मजाक कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई भी घर नहीं जा पाएगा। रशियंस आ रहे होंगे, हो सकता है वो तुम्हें जेल में डाल दें या तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। मैंने कहा था ना ये टीम वर्क बकवास है, इंतजार मत करना, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा और ये ऑर्डर है। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बैट्स तुम्हें भी मार देंगे। बैट्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे हेलीकॉप्टर नीचे उतारना होगा। मुझे इसी वक्त ट्रूप ग्राउंड पर चाहिए, मैंने लड़ाई मिस कर दी है लेकिन वॉर मिस नहीं करना है। बस तुम दोनों ही? एक और है, वो बाहर है, हमें निकलना होगा। दर्शन आ रहे हैं, वो सीधे यहीं आ रहे हैं। हमें रूसो को लेने के लिए लैब जाना होगा।
आ गए तुम। चलो बताओ डेल्टा यहां क्यों आई थी। मैं जानता हूं यूएस विद्रोहियों की मदद करने वाले डॉक्टर को पकड़ना चाहती है ना। सही कहा ना मैंने? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए रोने वाला भी कोई बचेगा। नहीं मानेगा? ले जाओ इसे यहां से। रशियन आर्मी के मिशन के ब्रॉडकास्ट को इंटरसेप्ट किया है। रशियन आर्मी ने टेररिस्ट अड्डे पर छापा मारा था। पॉल जेम्स आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। रशियन आर्मी ने बायोलॉजिकल हथियारों का लैब, क्या बकवास न्यूज है, जो घने जंगलों में बनाया गया था। वेलकम बैक सोल्जर। हमें पता चला सीक्रेट मिशन की यही तो दिक्कत है, हम जितना अच्छा काम करते हैं दुनिया को उतनी कम खबर मिलती है। सही कहा, हमारा मिशन हमने उसे पूरा किया है ना। डॉक्टर मर चुका है और तुम जिंदा हो, तो आइए मिशन अकम्प्लिश्ड से मिलते हैं जिन्होंने इस मिशन को पूरा किया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन था, एक ऐसा मिशन जिसमें चीचेंस के साथ साथ बैट से भी लड़ना था, और वो भी बेलजान जंगल में।